पलटा दिया सब। ये देखो ये यहाँ पे छुपा हुआ है, पापा को डरा दिया इसने। मन हमारा बड़ा चंचल है। इधर पे पर्दा मैंने और भैया अभी तो भैया पूरा तिल मिलाया हुआ है गुस्से में। सबका लव एंड सपोर्ट चाहिए ग्राफ हेल्थ द बिगेस्ट। वरवा कैसे करेंगे हमारे का सपोर्ट बताओ? सब्सक्राइब करो। हाँ सब्सक्राइब करो। ध्यान से देखिए इन बच्चों को, ये सुबह उठते ही वही काम करने लग जाते हैं जो रात को इनको छुड़वाया था। हेलो गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। हो गई मॉर्निंग वाले ब्लॉग की शुरुआत डैड चंडीगढ़ गए और छोटे बच्चों के साथ। जय माता दी, जय भैरवनाथ। आप भी बोलो अभी, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग सब्सक्राइबर्स। निवान गुड मॉर्निंग सब्सक्राइबर्स बोलो। निवान गुड मॉर्निंग सब्सक्राइबर्स बोलो। गुड मॉर्निंग। रात को आई भैया बारिश और सुबह हो गया मौसम ठंडा, उठा ही नहीं गया। फिर 6:30 हो गए। सो जी खाना पीना हम बाद में खाएंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये साफ। तो ये साफ करते हैं, उसके बाद से बच्चों की नलाई धुलाई रगड़ाई होगी, उसके बाद फिर हम खाएंगे खाना। देख रहे हो भैया चकाचक कर डाले भाई ने, सब कलटा दिया, सब कलटा दिया, जलटा दिया, सब कर दिया। देखो मस्त कर दिया, ये भी साफ कर दिया हमने। अब बच्चों की करवाएंगे बाथिंग, उसके बाद खाना पीना खाएंगे भैया। ये देखो ये यहाँ पे छुपा हुआ है, पापा को डरा दिया इसने, झिकी विकी है। मान लीजिए आफ्टर तकरीबन 1 साल बाद हमने भैया ऑयल वगैरह ढंग से लगाया और अभी मैंने वो किया ब्लू ड्राई। और सो यू कैन इजिली सी के अभी मैंने क्या हेयर स्टाइल बना रखा है। एंड ये कहीं ना कहीं मेरे को भी राइट नाउ डिसेंट लग रहा है, बट ये रहेगा कब तक आई डोंट नो। भैया मन हमारा बड़ा चंचल है, कभी भी कुछ भी हम कर डालते हैं। तो गंजी हो जाए शाम को जाके, पर अभी नहीं, अभी इसी का आनंद लेंगे। टाइम हो गया जी 12:21 और हमारा यहाँ पे चालू हो गया जी ये मिड लंच। ठीक है, और साथ में कुछ देख रहे हैं तो मिड लंच चालू कर। भाई साहब 2:30 बज गए, देखते हैं खाने पीने में आज क्या मिलेगा अपने को। सुबह तो हमने आलू आलू खाए थे, अभी देखो क्या मिलेगा, खुद ही गर्म करना पड़ेगा भैया। रोटी तो है, रोटी गर्म कर लेते हैं। ओके ये प्लेट भी अपने पास। और अच्छा सब्जी अंदर रखें, सब्जी और दही निकालनी पड़ेगी। और कल अपने को सब्जी मंडी भी जाना पड़ेगा क्योंकि सामान वगैरह खत्म ही हो गया ना। ऑलमोस्ट दही यहाँ पे रखी है। आज ऑलमोस्ट आप ये लगा के चलो कि तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मैंने कॉफी पिया भैया, मजा आ गया। अंदर नींबू डाल के मस्त तरीके वाला। जी हमारी ये है जी रोटी सब्जी और साथ में दही, गर्मा गर्म कर दी हमने छोले। शोर मचा रखा है स्विमिंग। और ये क्या कह रहा है, स्विमिंग पूल में क्या करोगे आप? पेपर में बोट बना के चलाए गए स्विमिंग पूल के अंदर। दिखाइए शक्ल ध्यान से देखो इस बच्चे को, है ये गोल गोभिया बनाता है। जल्दी कर रहा भैया, इसी जोर के बोल रहा है। बेबीज तो गए थे स्विमिंग पूल में, बट उनको वहाँ से अभी मतलब उनको उनकी हाइट छोटी रही है बेसिकली, सो उनको स्विमिंग नहीं करने दिया। और भैया अभी तो भैया पूरा तिल मिलाया हुआ है गुस्से में कि भैया मेरे को जाने दिया गंदे अंकल स्विमिंग वाले। एक्चुअली 4 फुट कम से कम हाइट होनी चाहिए, तो उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी रह गई, तो नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली शायद हो जाएगा। और एक चीज और पता लगी है कि अभी जिस तरह रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में क्लोरीन ज्यादा डालते हैं, उससे रैशेज वगैरह भी हो जाएगी। सो एडुकेट टाइम जो बताया गया है अप्रैल एंड मई, बच्चों को अगर स्विमिंग सिखाना तो वो एक बेस्ट एडुकेट टाइम है। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर, देखते हैं अब क्या करें। अच्छा पेपर नहीं लिखे इसलिए नहीं जाने दिया अंकल ने, गंदे अंकल थे। आपने पिट्टी नहीं करी अंकल की? कर दी अंकल की पिट्टी। अच्छा नाराज क्यों हो रखा? हमने कुछ थोड़ा ना बोला, वो तो अंकल ने बोला। अब जैसे दूध पीना, अच्छे खाना खाना, अब तभी तो जाएगा स्विमिंग पूल में, तभी तो हाइट बड़ी होगी तेरी। भैया चला नमकीन खा ले। अच्छा मम्मी के साथ जाना नहीं पार्क में? अभी जा रहे हैं मम्मी, 10 मिनट बाद। चल हैप्पी हो जा। मम्मी को प्यार से बात करेगा, हक करेगा तब। चल मम्मी को हक कर दे फटाफट। तो जी कल अपने को बनाने हैं पूरी, तो उसके लिए आलू लेके आलू पूरी बनाएंगे। तो आलू है नहीं तो आलू लेके आते हैं, अभी सीधा मार्केट चलते हैं। कहते हैं गरारी अड़ी है तो गरारी अड़ जाती है। तो भैया ब्रेड भी खत्म हो गए थे और आलू हमने ले लिए यहीं पे लोकल मार्केट से सामने से। तो चलो अब चलते हैं घर। हाँ जी आप क्या बना रहे हो शोमी? बवंडर की तरह। आप निवान जी आप क्या कर रहे हो? आप भी बवंडर बना रहे हो? और इसके अंदर से क्या निकलता है? बोल। ये इन्होंने कहाँ से निकाले? ट्रक वो तो दिखाओ अपना मिक्स ट्रक में से क्या। आज का डिनर का टाइम हो गया जी। पोहा बनाया है, ये मम्मी ने बनाया है और बेबी ने बनाया है। इसको लाइक कर ठीक। और हम खाएंगे ये बहुत ही यम्मी होगा और साथ में पोहा। तो चलो गाइस आज वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं फिनिश। आप कमेंट करके बताइए बेस्ट पार्ट आज वाले ब्लॉग के अंदर आपको क्या लगा। एंड वीडियो को जल्दी लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। फटाफट। मुझे भी दिखा दे। वो नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। नहीं।